हेलो बच्चों, हमारा सवाल है, चित्र में दिए गए परिपथ में आदर्श वोल्ट मीटर का पाठ्यांक होगा। हमें चित्र में तीन संधारित्र दिए हैं और हमसे पूछा है वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बताना है। अब देखिए, हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, 4.5 वोल्ट, 18/11 वोल्ट, 3 वोल्ट और 2 वोल्ट। ठीक है, अब ये संधारित्र तीनों कैसे लगे हुए हैं? श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो श्रेणी क्रम में माना पहले पर विभव कितना है? V1, दूसरे का विभव हम मान सकते हैं V2 और तीसरे का विभव मान सकते हैं V3। अब पहले की धारिता C1 कितनी दी है हमें? 2 माइक्रोफेरड। दूसरे की धारिता C2 कितनी है? 3 माइक्रोफेरड। और तीसरे की धारिता C3 कितनी है हमारी? 6 माइक्रोफेरड। अब हमें पता है श्रेणी क्रम में सभी संधारित्र पर आवेश बराबर होगा, तो अगर हम आवेश को माने Q, तो वो किसके बराबर होगा? C1V1 = C2V2 बराबर C3V3, यही होगा। अब पहले अगर हम C1V1 और C2V2 को लेते हैं, 2 × V1 = कितना हो जाएगा? C2 कितना है? 3 × V2। तो यहाँ से V1 का मान आ गया 3/2 V2। इसको पहला समीकरण मान सकते हैं। अब अगर हम C2V2 और C3V3 को लेते हैं, तो C2 का मान कितना है? 3 × V2। C3 का मान कितना है? 6 × V3। तो यहाँ से V3 का मान कितना आ गया? 3/6 V2 आ गया। इसको हम मान सकते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए, श्रेणी क्रम में तीनों विभव, तीनों संधारित्र पर जो विभव है उनका योग कुल विभव के बराबर होता है, तो V बराबर कितना हो जाएगा? V1 + V2 + V3। और V हमें कितना दिया है? 6। 6 बराबर हो गया V1। V1 का मान हमने कितना निकाला? 3/2 V2। और V2 को ऐसे ही रख सकते हैं, प्लस V3 का मान हमने निकाला 3/6 V2, 6 बराबर। अब देखिए, एलसीएम लें तो 6 एलसीएम आ जाएगा। अब 2 से 6 में डिवाइड करेंगे, 3 बार जाएगा, और 3 × 3 कितना हो गया? 9 V2 हो गया। प्लस यहाँ पे 1 मान सकते हैं, 1 से 6 में डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 6। तो यहाँ आ गया आपका 6V2। प्लस 6 से 6 में डिवाइड करेंगे, 1 बार जाएगा, 1 को 3 से गुणा करेंगे कितना बचा? 3V2। तो ये हो गया आपका 6, 9 और 6 15 और 3 18V2। ठीक है, 18V2 बराबर, 6 को यहाँ गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 6 × 6 = 36 होता है। तो V2 हमारा कितना आ गया? 36/18, या फिर 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट हमारा कौन सा ऑप्शन है? चौथा ऑप्शन। आशा है आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।